नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है आलस छोड़ो परिश्रम करो। नागपुर के कटनी में राघवेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके जीवन यापन यानी जीवन जीने का साधन भिक्षा थी। भिक्षा में वह लोगों के घर जाता था और दान मांगता था। वो प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाता था और उसी से अपना पेट भरता था। वह भिक्षा में मिले अनाज को एक घड़े में भरकर जमा करता था ताकि बाद में उसे बेचकर कुछ पैसे बना सके। उसने उस घड़े को रस्सी से लटकाकर ऊपर छत से बांध दिया था और अपनी खाट को वहीं उसके नीचे पास में लगा रखा था। वह अपने खाट पर लेटा लेटा अजीब अजीब सपने देखता रहता था और मन ही मन ख्याली पुलाव पकाता था। एक दिन इसी तरह राघवेंद्र अपनी खटिया पर लेटकर अपनी सपनों की दुनिया में खोया हुआ सोच रहा था, जब इस देश में अकाल पड़ेगा, खाने की कमी हो जाएगी, तब इस अनाज का दाम बहुत बढ़ जाएगा। उस समय मैं इसके बढ़े हुए दाम पर बेच दूंगा। उन पैसों से मैं मुर्गियां खरीदूंगा। 6 महीने बाद उनसे बहुत सारी मुर्गियां बन जाएंगी, उनके ढेर सारे अंडे होंगे, मेरा अपना मुर्गी का फार्म हो जाएगा। जब मेरे पास उन अंडे को बेचकर और ज्यादा पैसे आ जाएंगे, तब मैं एक बेकरी खोल लूंगा। उस बेकरी में ब्रेड बिस्किट बनाऊंगा। उस बेकरी से मैं बाजार में ब्रेड और बिस्किट बेचूंगा। तब मेरे पास दो दो व्यापार हो जाएंगे और उन दोनों व्यापारों से मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। पैसों को इकट्ठा करके मैं एक बड़ा सा आलीशान बंगला खरीद लूंगा। कुछ दिनों बाद थोड़े और पैसे जमा करके मैं गाड़ी भी ले लूंगा। जब मैं उस गाड़ी से निकलूंगा तो सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। अपने उस बड़े से घर के दरवाजे पर मैं एक बड़ा सा सुंदर पीतल का घंटा लगवाऊंगा। उस घंटे से मेरे घर की शोभा और भी बढ़ जाएगी। जब भी कोई मेरे घर आएगा तो उस घंटे को देखता रह जाएगा, उसे बजाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन छूने नहीं दूंगा किसी को, खराब हो जाएगा, इसलिए उसे थोड़ा ऊपर टांगूंगा। कभी कभी सिर्फ मैं ही उछलकर उसे बजाऊंगा। ऐसा सोचते ही राघवेंद्र का दाहिना हाथ अपने आप उठ गया ऊपर और उसने जोर से घंटा बजाने के चक्कर में अनाज से भरे हुए घड़े को ठोकर मार दी। पूरा अनाज मिट्टी में जा गिरा और किसी काम का नहीं रहा। घड़े के साथ साथ राघवेंद्र के ख्याली पुलाव वाले सपने चकनाचूर हो गए और मिट्टी में मिल गए। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा? सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी जरूरी है। बिना मेहनत किए सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना यानी सिर्फ फल के बारे में सोचते रहना बेकार है। तो आज की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।